हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वह ऑन स्पॉट के बारे में बताने वाला हूं कि ऑन स्पॉट एडमिशन क्या होता है, जो कि यूजी मतलब कि पार्ट वन के लिए भी यह वीडियो है और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी यह वीडियो, दोनों के लिए यह वीडियो है। और जो स्टूडेंट्स ऑन स्पॉट मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म को भी अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए क्या होता है, मेरिट लिस्ट जब निकल जाती है वह पार्ट वन का हो या पीजी का हो, दोनों में से अगर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है विश्वविद्यालय की ओर से और उसके बाद एक स्पेशल जो डेट होता है सीट जिसमें बच जाता है मेरिट लिस्ट के बाद, सीट का जो पता चलता है कि कितना सीट किस विभाग में खाली है, तो उसके हिसाब से एक ऑन स्पॉट एक डेट होता है जो कि आपको दे दिया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म को अप्लाई भी नहीं किए हैं, इस बीच जो डेट दिया जाएगा उसके उसी बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ऑन स्पॉट में आपको सीट को लॉक करना है। तो सीट लॉक करने के लिए आपको यूजर आईडी, जब आप एग्जाम अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपको, अगर आप पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं तो आप पार्ट वन में लॉक करना है, आपको सीट को लॉक करना है यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से। और अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो पीजी में भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है अपने आईडी को, और जो डेट दिया है ऑन स्पॉट का, ऑन स्पॉट में आपको सीट को आपको लॉक कर लेना है। और अगर सीट लॉक हो जाती है तो उसके बाद कॉलेज में जाके आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, और आपको डॉक्यूमेंट कॉलेज में जाके वेरीफाई भी करवा लेना है। वेरीफाई करवाने के बाद ही पेमेंट का लिंक जो है वह ओपन होगा, आपको पेमेंट कर देना है, उसके बाद ही आपका एडमिशन ऑन स्पॉट में होगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।